हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज हम लोग यहाँ पर साइंस का अपना फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट क्लास स्टार्ट करें। इससे पहले जो आपका सेशन हुआ था उसमें हमने सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कशन किया था, क्लासेस किस तरीके से कंप्लीट होगी, किस तरीके से हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो आज हम लोग इसका पहला क्लास कंप्लीट करें जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट जो यूनिट है मात्रक और मापन को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली इसके अंदर हम लोग यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखेंगे कि ये क्या होती है, जैसे कोई ऐसा यूनिट्स हो गई तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, लंबाई को कैसे मेज़र किया जाता है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपसे क्वेश्चन में जो इसके कुछ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर से। अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारी बार आपसे कुछ डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, कुछ परिभाषाएं पूछ ली जाती है, तो वे राशियां जिनका मापन और तोलन संभव है अर्थात जिनको आप माप और तोल सकते हो उसको क्या बोला जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि बोला जाएगा। जैसे कि लंबाई आप मेज़र करना चाहेंगे, समय है, बल फोर्स हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी है। अब मैं आपको बोलूँगी कि आपको मार्केट से जाकर ऑयल लेकर आना है, तो आप मुझसे क्वांटिटी पूछोगे कि कितने लीटर लेकर आऊँ, है ना? तो इस तरीके से ये लीटर जो हमने पीछे लगाया है ना, टाइम कितना हुआ है, 2 घंटे हो गए, ये आर आपने लगाया, ये घंटे आपने लगाए, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी यूनिट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज इनको बोला जाएगा। मतलब आप जिससे मेज़र कर पा रहे हो वो सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती है, भौतिक राशि यहाँ पर कहलाती है। अब इसकी 2 कैटेगरी होती है, एक फंडामेंटल होती है और एक डिराइव्ड होती है, राइट? कितनी कैटेगरी होती है, फंडामेंटल और डिराइव, 2 कैटेगरी होती है जो कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब देखो नाम से ही थोड़ा हिंट हमको लग गया है, मूल राशियां जो खुद में होगी, है ना? तो अब आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहे तो देख सकते हैं, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है, किसी अन्य पर आश्रित निर्भर नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती है। बेसिकली ये कितने प्रकार की होती है, 7 होती है, इसी से बाकी सारी यूनिट्स बनी है, ठीक है? इनको आप बोल सकते हो ये 7 फादर है, बाकी सब इसी से बने हुए, इसके सन डॉटर हो सकते हैं, इस तरीके से आप कंसिडर इसको कर सकते हैं। तो 7 यूनिट आपको यहाँ पर याद रखनी है जो आपकी क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट होगी। अब व्युत्पन्न राशियां डिराइव जो मूल राशियों से मिलकर बनी है, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती है ये मूल राशियों पर निर्भर होती है, ठीक है? और मूल राशियों की सहायता से इनको बनाया जाता है। जस्ट एन एग्जांपल हम लोग एक ले सकते हैं फोर्स का, फोर्स यानी कि बल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव्यमान दैट मीन्स मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अब ये मास जो हो गया आपने देखा है, द्रव्यमान ये क्या है, मूल राशि है, इसी से भी उत्पन्न हुआ है, किसका, यहाँ पर फोर्स का, जो बल का फॉर्मूला बनाए वो द्रव्यमान होगा और त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, राइट? इसी से क्या हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं कि बल यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रकार से व्युत्पन्न राशि हो गई है, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। अब इसको पूरा हम लोग अच्छे से समझेंगे, बस आपको एक डेफिनेशन पता होना चाहिए, मूल राशियाँ कितनी होती है, 7 होती है, और इसी से मिलकर आपके कार्य का हो गया, लाइक वर्क का हो गया, आपका ये वाला हो गया, अपना फोर्स का हो गया, है ना, पावर का हो गया, ये सारे फॉर्मूलाज क्या है, ये सारे के सारे जो राशि है ये सारी की सारी व्युत्पन्न राशियाँ होगी। आपकी जो मेन राशि है वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब वो कौन कौन सी 7 होगी उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली आपकी लंबाई है, इसको किस में मेज़र किया जाएगा, मीटर में, इसका सिंबल क्या रहेगा, एम रहेगा। द्रव्यमान आपका किलोग्राम केजी रहेगा। समय सेकंड में मेज़र किया जाएगा हमेशा, एस आपका रहेगा। विद्युत धारा एम्पियर, और इसका जो सिंबल रहेगा ए रहेगा, एम्पियर, राइट। उष्मा गति की ताप, इसको केल्विन में मेज़र किया जाता है, इसका जो सिंबल रहेगा के रहेगा। पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में मेज़र किया जाएगा। ज्योति तीव्रता, इसको कैंडेला सीडी में मेज़र किया जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, मूल राशियां हैं जिसके सहायता से बाकी सारी राशियों को बनाया जा सकता है। लंबाई आपको ध्यान है, द्रव्यमान भी आपको ध्यान है, समय, विद्युत धारा आपसे पूछा जाए कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप बताएंगे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? इतना रेजिस्टेंस है ना, वो सारी चीज़ें। तो ये एम्पियर आपका फंडामेंटल यूनिट हो गया। इसी तरीके से उष्मा गति की ताप, जिसको केल्विन में आप मेज़र करेंगे, इसी तरीके से फ़ारेनहाइट सभी में कर सकते हैं, लेकिन जो एक मूल राशि मानी गई है वो क्या मानी गई है, केल्विन मानी गई है। पदार्थ की मात्रा मोल में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मेज़र किया जाएगा, ठीक है? इस तरीके से और भी क्वांटिटीज़ होती है जिसे आप मेज़र कर सकते हैं, जैसे CGS प्रणाली चलती है, FPS चलती है, MKS चलती है, लेकिन अभी हम जो फॉलो कर रहे हैं हम लोग SI यूनिट फॉलो करेंगे, है ना? SI यूनिट को फॉलो करेंगे, जो भी आपने 7 क्वांटिटीज़ पढ़ी है वो क्या है, SI यूनिट है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग CGS की बात कर लेते हैं। CGS प्रणाली में C से आपका सेंटीमीटर होगा, G से आपका ग्राम होगा, और S से आपका सेकेंड होगा। FPS प्रणाली में आप F से फुट देख सकते हो, ठीक है? P से आपका पाउंड हो जाएगा, और S से आपका सेकेंड हो जाएगा। MKS में M को मीटर, K से किलोग्राम, और S से सेकेंड, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना किलोग्राम इस तरीके से,
है ना, तो वो किलोग्राम प्रति सेकंड, जिस तरीके से भी हम लोग मेजर करेंगे, तो ये एमकेएस प्रणाली चलती है, एफपीएस प्रणाली चलती है, सीटीएस प्रणाली चलती है, और अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स, जिसको एसआई यूनिट कहा जाता है, इसको फॉलो करते हैं, राइट। और इसी से रिलेटेड ये 7 यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिकीताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, जिसको कैंडेला में मेजर किया जाएगा। सिंबल क्या रहेगा? सीडी यहाँ पर रहेगा। ओके, चलिए अब ऐसे ही पद्धति में कुछ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि 10 की पावर 1 है, तो ये जो पावर्स होती है इसको कैसे लिखा जाता है। 10 की पावर 1 है तो इसको डेका बोला जाएगा, है ना, डेका मीटर हो जाएगा। 10 की पावर 2 हेक्टा हो जाएगा। 10 की पावर 3 इसको किलो बोल सकते हैं, ठीक है। और 10 की पावर 6 आपका मेगा हो जाएगा। 10 की पावर 9 आपका गीगा हो जाएगा। 12 आपका टेरा हो जाएगा। 15 आपका पेटा हो जाएगा। और 18 आपका हेक्सा हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे जब आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं तो इतने जीरो लगाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इसको 10 की पावर 18, 15, 10 की पावर 1, 2, 3 इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। तो बस आपको ये सीरीज ध्यान रखनी होगी, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा और हेक्सा, ठीक है। इस तरीके से हेप्टा आगे भी होती है, बट ये इनफ सफिशियंट है, ठीक है। आप यहाँ तक इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, अगर -1 में होगी तो -1 आपका डेसी होगा, -2 आपका सेंटी, ठीक है। सारी आपकी मीटर में चलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10^-2 आपका सेंटी होगा, ऐसा यूनिट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 10^-3 मिलीमीटर हो जाएगा। -6 आपका माइक्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। -9 नैनोमीटर हो जाएगा। -12 पीको, -15 फैंटो और -80 एटोमीटर हो जाएगा। अभी मैं इसका कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लोग जो है इसको चेंज करेंगे। बेसिकली यूनिट चेंज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी यूनिट को इसमें आप चेंज करके बताइए, माइक्रोमीटर को या नैनोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करिए, तो फिर ये वाली यूनिट हमारे काम आएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ जाते, ये यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा, ये सारी यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक माइक्रोन को क्या करना है आपको सेंटीमीटर में यहाँ पर चेंज करना है। आप क्या करेंगे, एक माइक्रोन जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये आपको यहाँ पर ढूंढ कर निकालना है। अभी जस्ट प्रीवियस वाली जो टेबल थी उसमें हमने देखा एक माइक्रोन जो है कितने मीटर के बराबर होता है, 10^-माइक्रो -6 मीटर के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। एक माइक्रो किसके बराबर होगा, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं टेबल से निकाल कर, ठीक है। ये जो एक माइक्रो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 10^-6 मीटर के। इतना हम लोगों को क्लियर है, लेकिन इसने पूछा कि आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो 10^-6 तो है ही सही, हम लोग मीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको पता है एक मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो 100 सेंटीमीटर को 10^2 लिखा जा सकता है, ठीक है, 10^2 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर वही करना है, ठीक है। मीटर की वैल्यू क्या हो गई, 10^2 सेंटीमीटर। अब ये पूरी वैल्यू को आप कर लीजिए 10^-6 से, और गुणा है तो मतलब घाते जुड़ेगी, इस तरीके से मैथ्स में हम लोग करते ही हैं, ठीक है। तो ये -6+2 कितना हो जाएगा, -4। तो एक माइक्रोन में 10^-4 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर ये आपको बोल देता कि और अलग तरीके से इसको चेंज करके बताइए, या अगर आपको बोल देता कि आपको इसको इसमें ट्रांसलेट करना है, नैनो को सेंटीमीटर में करना है, नैनो को मीटर में करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये टेबल थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइक्रोन क्या होता है, नैनो क्या होता है, पीको क्या होता है, फेंटो क्या होता है, इस तरीके से। अभी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था माइक्रोन सेंटीमीटर से किस प्रकार से संबंधित है, तो माइक्रोन 10^-6 मीटर के बराबर होता है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप चाहे तो 100 कर लीजिए, ठीक है। तो वही 10^2 यानी कि 100 हो जाएगा। तो ये 10^-4 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो डी आंसर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, यूनिट्स को चेंज करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा थ्योरी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लंबाई से संबंधित पूछे जाते हैं, क्योंकि लंबाई देखो काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, काफ़ी छोटी भी हो सकती है।
हो सकता है वो इतनी छोटी हो कि आप वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज इनके माध्यम से मेज़र नहीं कर सकते हो, या इतनी बड़ी होगी लाइक धरती से जो आपके पृथ्वी से सूर्य की दूरी, जिससे आप स्केल वगैरह किसी से मेज़र नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए क्या करोगे? तो अलग अलग मीटर्स होते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं इनको चेक करने के। लंबाई का मापन 10^-3 मीटर से, सो हम लोग बोल सकते हैं 10^2 मीटर तक की लंबाई को आप मीटर पैमाने से लाइक स्केल वगैरह से आप मेज़र कर सकते हैं, -3 से 10^2 तक की। अगर इससे नीचे गए, इससे कम हुई लंबाई, काफ़ी कम हुई, 10^-4 हुई, तो इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वर्नियर कैलिपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कौन है ये वर्नियर कैलिपर्स? ये इस तरीके की स्केल होती है, इसमें बहुत छोटी लंबाई को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो एक यहाँ पर सेंटीमीटर वाला है, इसके लिए भी यहाँ पर और दिए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत छोटी लंबाई को आप लोग यहाँ पर लगभग 10^4 तक की लंबाई, -4 तक की लंबाई को आप लोग इसके माध्यम से मेज़र कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा सा और कम लंबाई हुई, 10^-5 हुई, तो उसको आप स्क्रू गेज की मेज़र से या स्पायरोमीटर की सहायता से मेज़र कर सकते हैं। देख लो आप, ये आपका स्क्रू गेज है, जिस भी चीज़ को आपको मेज़र करना है इसके बीच में रखिए, इससे आप मेज़र कर सकते हैं। या फिर स्पायरोमीटर है, बेसिकली गोलाई वगैरह मेज़र करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों की माध्यम से, इन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत कम यानी कि 10^-5 लंबाई को भी यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी दूरी को, ये तो कम दूरी होगी, बहुत बड़ी दूरी को मापना है, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी, पृथ्वी की ग्रहों से, तारों से दूरी को मेज़र करने के लिए लंबन विधि या जो डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन विधि होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि इतनी बड़ी दूरी को मेज़र करने के लिए आप विस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बेसिकली एक पेन होता है, उसको अपन राइट हैंड साइड पर रखते हैं, ठीक है, और फिर बाद में लेफ्ट आई पर रखते हैं, ठीक है, और फिर जो दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उससे हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, है ना। तो आप बस इतना ध्यान रख सकते हैं, लंबन विधि या विस्थापन विधि का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सूक्ष्म मापन करना हो, ठीक है, -8 से -10 तक का मेज़र करना हो, तो फिर तो स्क्रू गेज और ये वर्नियर कैलिपर्स कुछ भी काम नहीं आएगा, राइट। तो 10^-7 मेज़र करना है, इतना कम लेंथ जो है मेज़र करनी है, तो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी ऑप्टिकल का प्रयोग यहाँ पर आप कर सकते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोमीटर प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में दृश्य प्रकाश तरंगों को काम में लिया जाता है, जिनकी लंबाई 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 तक होती है, छोटे आकार वाली दूरियों को। लेकिन इससे भी आप क्या कर सकते हैं, छोटे आकार वाली दूरियों को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ये प्रकाशीय था, ये ऑप्टिकल था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रॉन का करेंगे। जितना छोटा चाहे उसको हम लोग यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। जितनी छोटी चीज़ को देखना चाहें हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से यहाँ पर मेज़र कर पाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे छोटा सा बारीक सा कोई हम लोग बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को मेज़र करना है, तो वो इसके थ्रू से ईजीली आप मेज़र कर पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लंबाई को किसके द्वारा नहीं मापा जा सकता है, फर्मी में, है ना, दूसरा आपका डेबाई में, माइक्रोन में, प्रकाश वर्ष में। ये क्वेश्चन अभी आप करिएगा, अभी हम लोग यहाँ पर और थ्योरीज का देखेंगे। तो लंबाई में हम लोग इसको मेज़र नहीं कर सकते, लंबाई को जो है इसमें मेज़र नहीं किया जा सकता, बाकी आप इसमें कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा थ्योरी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खगोलीय मात्रक की, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, ठीक है। सूर्य की केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की औसत दूरी को मेज़र करने का जो मात्रक माना गया है, खगोलीय मात्रक यहाँ पर माना गया है, और ये जो 1 AU है ना, इसको शॉर्ट में AU हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, तो 1.496 × 10^11 मीटर के बराबर ये होता है। या फिर इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकाले तो 1.5 इसको बोला जा सकता है × 10^11 मीटर, इसको यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, खगोलीय मात्रक, मतलब इतनी लंबी दूरी को यदि आपको मेज़र करना है, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की एक डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो इसके माध्यम से आप निकाल सकते हो, और इसकी वैल्यू यदि आप मीटर में निकालेंगे तो लगभग इतनी होती है। यदि हम लोग लाइट ईयर प्रकाश वर्ष की बात करें, तो निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, लाइट ईयर कहा जाता है। तो इसकी जो वैल्यू है, प्रकाश कितने वेग से गति करता है, 3×10^8 से गति करता है। अब यहाँ पर जो हमने किया है, इसमें समय का गुणा किया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना, और ये 1 घंटे के लिए 60, एक दिन में हम लोग बोल सकते हैं 24 घंटे होते हैं, और ये टोटल 365।
तो इस तरीके से इसको यहाँ पर निकाला गया, आपने डायरेक्टली वैल्यू याद करके रखी होगी, 9.46 × 10^15 मीटर, एक प्रकाश वर्ष में, 1 लाइट ईयर में 9.46 × 10^15 मीटर होते हैं, ठीक है। लगभग इसको 10^16 बोला जा सकता है, इसको हम लोग 10 मान सकते हैं, इंटू 10^15 हो जाएगा, टोटल 10^16 मीटर हो जाएगा, अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहें तो, ठीक है। बाकी ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ये पूरा कैसे हमने निकाला वो वाली वैल्यू है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी 9.46 वैल्यू आएगी, और कितने 10 होंगे, 10^15 यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 8 तो यहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं, 2 यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से टोटल 15 हो जाएंगे जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और यूनिट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, पारसेक के बारे में बात कर लेते हैं। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक होता है। खगोलीय मात्रक दूरी को एक चाप के रूप में, एक आर्क के रूप में लेने पर किसी बिंदु पर 1 सेकेंड का कोण अंतरित होता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, पारसेक यहाँ पर बोला जाएगा। आप इसकी वैल्यू यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, एक पारसेक जो होता है 3.1 × 10^16 मीटर के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक इसको मेज़र किया जाता है पारसेक के अंदर, एक पारसेक होता है, ठीक है। और सबसे छोटा हम लोग किसके थ्रू मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू मेज़र करते हैं। ये तो दूरी की बात हो गई। अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर यूनिट है। एक चंद्रशेखर का मान सूर्य के द्रव्यमान का, जो सन का जो मास है, उसके मास का 1.4 टाइम्स होता है, 1.4 गुना होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समय की बात कर लेते हैं, टाइम की बात कर लेते हैं। देखो टाइम के बारे में तो हम सभी को पता है, समय का मात्रक वर्ष होगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को अपने कक्षा को पूरा करने में जितना समय लगता है वो हमारा अराउंड 1 ईयर हो जाएगा। उसी के साथ आपने देखा होगा एक ट्रॉपिकल वर्ष भी होता है, जिसमें सूर्य ग्रहण आते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण आएगा, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल ईयर कहलाएगा। लीप ईयर की बात करें, जो साल 4 से पूरे तरीके से विभाजित हो जाता है, जैसे अभी 2020 निकला, 2016, अब 2024 आएगा, ये 4 के पहाड़े से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, आपका जो फरवरी का महीना है 29 का दे होता है, क्योंकि इसमें टोटल 366 डे होते हैं, एक दिन जो है एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसलिए आपकी जो फरवरी है वो 29 की हो जाती है ना, 28 दिन होते हैं यूजुअली, लेकिन चौथे साल आपका 29 वाला आ जाता है। चंद्रमास, पृथ्वी के चारों चंद्रमा द्वारा अपनी कक्षा को एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय चंद्रमास यहाँ पर कहलाता है, 27.3 डेज होते हैं इसके अंदर, ठीक है, दिन का आप भाग बोल सकते हैं इसको, 0.3 डेज को, ठीक है। तो ये आपका कुछ यूनिट इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिकल यूनिट हो गई, लीप वर्ष हो गया, और चंद्रमास आपका यहाँ पर हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि गुरुत्व के कारण त्वरण जो है कितना है, 10 मीटर और सेकंड का पावर -2, है ना, प्रति सेकंड स्क्वायर आप बोल लीजिए। इसको क्या करना है आपको, किलोमीटर और घंटों में यदि आप इसको परिवर्तित करें, मतलब इस यूनिट को आप यहाँ पर ऐसा यूनिट किलोमीटर और घंटा बनाएं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो अपन को चेंज कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपन को यूनिट यहाँ पर बदलनी है, वैल्यू आपकी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली ये वाली चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है, आपने ट्रेन वाले काफ़ी क्वेश्चन किए होंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए, ये बिल्कुल उसी तरीके का है, बस आपको यहाँ पर रिवर्स करना है। मीटर सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको किलोमीटर और घंटे में परिवर्तित करना है। तो कुछ यूनिट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर 1 मीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप देखें तो 1/ कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर हो जाएगा, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है, ये आपकी एक वैल्यू हो गई, राइट, ये आपकी एक वैल्यू हो गई। अब इसी तरीके से 1 घंटे का आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, हमको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट का आपका ये 1 सेकेंड हो जाएगा, तो ये सेकेंड में वैल्यू हो गई। तो 1 घंटे में हम लोग बोल सकते हैं 3600 सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकेंड कितने के बराबर हो जाएगा, 1/3600 घंटे के बराबर हो जाएगा। बस इसी वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है, हम लोग इसको यहाँ पर कर रहे हैं, इस जगह देखिएगा 10 as it is, क्योंकि 10 आपको वैल्यू दे रही है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। मीटर को क्या करिए, किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या दिया, सेकेंड का इन्वर्स दिया, तो क्या इसको मैं नीचे लिख सकती थी, इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेकेंड का इन्वर्स मतलब सेकेंड नीचे आ जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आपका सेकेंड जो है वो नीचे आना चाहिए। अब सेकेंड की वैल्यू क्या है, 1/3600, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अपन को स्क्वायर निकालना है।
ठीक है, तो आप 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1/100 हो गया, ये रिवर्स है तो ये ऊपर चला जाएगा 3600, तो ये 3600 × 3600 हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है, तो 36 का 36 में गुणा करिए, फिर 36 का स्क्वायर कितना होता है, 12 छन्नी होता है, 1296 × 100, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1296 00 हो गई, ठीक है। अब ये परिवर्तित हो गया हमारा किलोमीटर और घंटे के अंदर, राइट, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1296 00, राइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बेसिकली यूनिट्स को चेंजेस करने के क्वेश्चन आपसे इस वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं, अगर वो न्यूमेरिकल पूछेगा तो। बाकी थ्योरी में आपसे इसमें थोड़े बहुत एरर वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की आपकी एरर होती है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो पूछने के चांसेस क्या क्या है, बेसिकली आपसे यूनिट पूछ लेगा कि ज्योति तीव्रता की यूनिट क्या होती है, लंबाई के क्या क्या मात्रक होते हैं, दूरी की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी 10^-8 को मेज़र करना है तो किस में मेज़र करोगे, ये बेसिक क्वेश्चन हो गए। फिर आते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके सामने रखे हुए हैं, और कुछ आपसे एरर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपसे 3 टॉपिक बनते हैं, 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट एरर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, पार्सेक किसका मात्रक है, अभी आपने कंप्लीट किया, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्सेक होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर डिस्टेंस जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से जुड़ जाइएगा ताकि आपको डेली का अपडेट डेली दे दिया जाए, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग 6 PM वाली क्लास में, तब तक आप इसका रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई डाउट आता है तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस किया जा सके। ओके, सेशन को ओवर करेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।